हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान स्किल क्लासेस। सो गाइस, यूजीसी नेट 2021 के लिए हमने 15 नवंबर को एक मॉक टेस्ट का आयोजन किया था। तो उसके जो आंसर्स हैं वो मैं इस एक डिस्कशन करने वाली हूँ आपके साथ कि उन आंसर्स को। सो गाइस, ये जो टेस्ट हुआ था वो एकदम से यूजीसी एनडीए नेट के पैटर्न पे हुआ था। बहुत सारे लोग हो सकता है जिन्होंने टेस्ट ना दिया हो, वो आज इस टेस्ट को देख के देख लें तो हो सकता है कि इससे आपकी प्रिपरेशन का आपको अंदाजा लग सके। प्लस मेरे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेस्ट दिया था, आई थिंक 1700 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर्ड किया था, उसमें 1300 ने टेस्ट दिया है। सो जिन लोगों ने टेस्ट दिया है और जिनके मार्क्स 400 प्लस आए हैं, किसी के तो 480 भी आए हैं, है ना, सो उन वो लोग अपने GRF को बहुत पक्का समझिए, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही है। और जिसके मार्क्स नियर अबाउट 300 प्लस हैं, उनका मैं नेट मान के चल सकती हूँ, बिकॉज जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल था वो काफ़ी अच्छा था। और आप इस पेपर को देखिए और अपनी प्रिपरेशन को जज करिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट के आंसर्स को डिस्कस करना। इसको मैं पार्ट्स में डिस्कस कर दूंगी, इससे आपको 150 क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, प्लस आपका एक आंसर भी आपके साथ डिस्कशन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना भी ना भूलें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी डिक्लेयर बाई UGC अंडर सेक्शन 3 ऑफ द UGC एक्ट 1956 आर नॉट परमिटेड। यानी कि सो गाइस, इसका जो आंसर है, इसका आंसर है थर्ड इज द करेक्ट आंसर, कि यहाँ पर लिखा है कि UGC की अनुमति के बिना देश में और विदेश में कहीं भी ऑफ कैंपस और ऑफ शोर कैंपस कोई भी विदाउट UG की परमिशन के यहाँ पे आप नहीं ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये गलत है, इसका जो यही सही आंसर होगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद इंक्लूडेड स्टडी ऑफ रिलीजन फिलोसफी उपनिषद एंड पुराण्स टू अचीव। तो विवेकानंद ने ये सब प्राप्त करने के लिए धर्म दर्शन और उपनिषद और पुराण का अध्ययन किसमें शामिल किया? भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए, बच्चे के आध्यात्मिक विकास के लिए, बच्चे की बुद्धि के विकास के लिए, और बच्चे के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो सेकंड का जो सही आंसर है कि ये जो सारी ही बातें हैं वो क्यों, क्योंकि हम ये सारा धर्म दर्शन उपनिषद पुराण ये सब क्यों अपने अध्ययन में शामिल करना चाहिए। वैसे तो इसमें अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप बहुत कंफ्यूज भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली उनका जो काम है कि बच्चे की बुद्धि का जो विकास है, अगर हम ये सब पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें जानेंगे, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों को शिक्षण के किस चरण में शामिल किया गया है? द फॉलोइंग एक्टिविटीज इंक्लूडेड विच फेज ऑफ टीचिंग? फिक्सेशन, डिसीजन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, अरेंजिंग, सिक्वेंसिंग द एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट ऑफ प्रेजेंटेशन, डिटरमिनिंग द स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज। तो राइट आंसर इज द प्री एक्टिव स्टेज। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो प्री एक्टिव स्टेज में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर नॉट एम्पावर्ड टू कन्फर और ग्रांट डिग्री अंडर द UGC एक्ट 1956? तो इनमें से कौन से जो संस्थान है वो UGC अधिनियम 1956 के तहत डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं है? सो राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 4, विधान मंडल के एक से अधिक अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, या फिर एक भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय या संस्थान। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट लीस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचर्स रोल इन द गाइडेंस ऑफ लर्निंग? यानी कि सीखने के मार्गदर्शन में शिक्षकों की भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कम महत्वपूर्ण, तो इस पे ध्यान रखें, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? या मोरल सपोर्ट, इनकरेजमेंट, या फिर कंटिन्यूस डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल हेल्प, या फिर डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट टू ओवरकम द। तो इसका जो सही आंसर होगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। सो
सो गाइस यहाँ पर ओवरकम द पिटफॉल्स एंड ऑब्स्टिकल्स, यानी कि जो बाधाएं हैं उन पे काबू पाने के लिए अंतर्दृष्टि का विकास करना बेसिकली टीचर का काम नहीं है, और यह उसका कम महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं वहां पे टीचर की बहुत ज्यादा रोल होता है। सो राइट आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग स्ट्रेटेजी इज अ जनरलाइज प्लान फॉर अ लेसन विच इंक्लूड स्ट्रक्चर डिजायर्ड लर्नर बिहेवियर इन टर्म ऑफ गोल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड आउटलाइन ऑफ प्लान टैक्टिस नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजी। द लेसन स्ट्रेटजी इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द करिकुलम। तो ये जो था वो किसकी डेफिनेशन थी, तो ये एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अगर ये आपको पता होगा तो ही कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली लोगों के रोंग हो जाते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका जो सही आंसर होगा ई स्टोन एट मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा शिक्षा के संस्थानों में कौन से मूल्य को बढ़ावा दिया जाता है, बेसिकली जो नेक के द्वारा इनमें से किसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो ज्यादातर इसका आंसर सभी ही सही होता है, ऑल ऑफ द दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर फोल्ड वैल्यूएशन ऑफ इंडियन कल्चर वेन अरेंज इन द असेंडिंग हायरार्की। तो इसको आपको हायरार्की में लगाना है। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो बेसिकली इनको चार पुरुषार्थ बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ना अक्सर भूल जाते हैं इस तरह का क्वेश्चन कि इनका सीक्वेंस, अक्सर लोग इसका जो सीक्वेंस याद करते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष याद कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, ये नहीं है, ये गलत है। चार जो पुरुषार्थ है इनको याद करने का मैं तरीका आपको बता देती हूँ कि अर्थ, अर्थ का मतलब होता है पैसा, मनी, है ना। कर्म, कर्म का मतलब काम, है ना, वर्क जो हम करते हैं या हमारी जो डिजायर्स बेसिकली होती है, कर्म कह लीजिए या काम, तो दोनों का ही मतलब डिजायर से है। धर्म का मतलब तो सबको पता है रिलीजन, और मोक्ष का मतलब हुआ इन सब चीजों से बाहर निकल जाना। अब इसका राइट आंसर पहली बात तो बन है, अब कैसे इसको याद रखना है कि आपको लाइफ में जो भी पैसा कमाना है, एंड मनी और पैसा जो हमें कमाना है ना, वो हमें अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए कमाते हैं, है ना। हाँ, सारे लोग तो पैसा कमाइए, अपनी डिजायर्स को पूरा करिए, और उसके बाद धर्म के रास्ते चलिए, देन आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। सो गाइज, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दो तरह से आता है। जैसे कभी कभी ये क्वेश्चन ये पूछा जाए सिंपल, ये वैल्यू, ये कल मतलब वैल्यू अगर नहीं लिखा हो, कई लोगों से क्वेश्चन हो सकता है गलत भी हुआ हो, है ना। अगर वैल्यू वर्ड नहीं लगा है तो इसका आंसर क्या हो सकता है, मतलब अगर हमें सिर्फ इनको बोलते हैं चार पुरुषार्थ, तो ये अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि जो ये फोर फोल्ड है इनका इनका सिक्वेंस क्या है, तो इनका जो सिक्वेंस होगा वो होगा धर्म अर्थ काम मोक्ष। और इसको कैसे याद करते हैं, इसको बेसिकली इंडियन कल्चर में ये बताया गया है भारतीय सभ्यता संस्कृति के अंदर कि हमें धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए, और धर्म के रास्ते पर चलते हुए यानी कि पैसे को कमाना चाहिए। पैसा दो तरीके से कमाया जा सकता है, चोरी भी कर सकते हैं और मेहनत भी कर सकते हैं। तो धर्म से कमाइए, पैसे का जो कमाने का तरीका होना चाहिए वो सही होना चाहिए धर्म के अनुसार, और इसके बाद हमें अपनी डिजायर्स को पूरा करना चाहिए, देन हमें मोक्ष मिल जाएगी। अगर हमारी सारी डिजायर्स पूरी हो जाएंगी तो हमें अपने आप मोक्ष मिल जाएगा। तो ये बेसिकली रियल मीनिंग है पुरुषार्थ का इंडियन कल्चर के अंदर, पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि जो मोक्ष है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है और पैसे की जो वैल्यू है वो सबसे कम है। ये प्रैक्टिकली तो सही नहीं है, प्रैक्टिकली तो आपको पता है पैसे की वैल्यू सबसे ज्यादा है, बट हमें आंसर सही से देना है। तो सही आंसर क्या है कि पैसे की वैल्यू सबसे कम है, उसके बाद आती हैं इच्छाएं दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आता है धर्म, और सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो है मोक्ष की। तो क्वेश्चन को समझने में कई लोगों से गलती हो सकती है, अगर सिर्फ ये आए कि चार पुरुषार्थों को क्रम से लगाइए, ठीक है, जो फोर फोल्ड हैं उनको सीक्वेंस में लगाइए, तो उसका आंसर थर्ड होता। लेकिन इस क्वेश्चन में वैल्यू के अकॉर्डिंग लगाना है तो इसका आंसर, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती हैं, तो इनको जब वर्क इन्वायरमेंट मिलता है तो इनको हम किस तरह से, बौद्धिक जो अक्षमता वाले व्यक्ति हैं उनको, कई कर्तव्यनिष्ठ और मूल्यवान कर्मचारी भी होते हैं जो सामान्य कार्य वातावरण में नियोजित भी हो जाते हैं, अधिक विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्तियों के भीतर रोजगार प्राप्त करने की जो आवश्यकता हो सकती है वो कहाँ हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए कि किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम शेल्टर्ड वर्कशॉप का
यूज कर सकते हैं यहाँ पे। वर्कशॉप, शेल्टर वर्कशॉप का मतलब क्या है, रहना भी मिलेगा और आपको काम भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि एक मैकेनिक है और वो, उसको डिसेबिलिटी है, वो चल नहीं सकता, बट वो मैकेनिक बहुत अच्छा है, तो उसको ऐसा अरेंजमेंट कर दीजिए कि वो वहाँ काम भी कर सके, वहाँ रह भी सके। तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट वेयर द टीचर पनिश निगेटिव बिहेवियर बाई रिमूविंग एन अनरूली स्टूडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्लासेस कॉल्ड। तो कक्षा प्रबंधन की वह तकनीक जिसमें शिक्षक एक अनियंत्रित छात्र को शेष कक्षा से हटाकर नकारात्मक व्यवहार को दंडित करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सो 10 का जो सही आंसर होगा इसको बोलेंगे फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियलिज्म इज इन एजुकेशन आई वॉज बोर्न आउट। तो शिक्षा में यथार्थवाद का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? सो 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की स्वीकार आलोचना नहीं है। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्टेबल क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल एम ऑफ एजुकेशन। तो कौन सी एक्सेप्टेबल नहीं है? दे आर एंटी इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्ति विरोधी है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि कोई भी व्यक्ति विरोधी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डेमोक्रेसी एजुकेशनल पैटर्न इज प्लान्ड आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ मैनी बिकॉज। सो इसका जो सही आंसर होगा, लोकतंत्र में हमेशा बहुत अधिक निरीक्षर होते हैं, यानी कि लोकतंत्र में स्वैच्छिक प्रतिनियुक्ति बहुतों के हितों के बाद बनाई जाती है ना, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, तो इस तरह की जो प्लानिंग है वो इसलिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने के लिए डिजाइन किए गए परीक्षण हैं। द टेस्ट डिजाइन टू प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस इज एप्टीट्यूड अचीवमेंट नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस। तो बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो इसीलिए लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग, अच्छे टीचिंग के लिए क्या जरूरी है? डायग्नोज करना, फीडबैक देना। तो आप सबको इसका आंसर पता होगा। सो 15 का 4 आंसर है कि ऑल ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों को किसी अन्य व्यक्ति का परिपेक्ष लेने में कठिनाई होती है, इसे किस रूप में जाना जाएगा? सो 16 का जो सही आंसर होगा, हम इसे ईगो सेंट्रिज्म के रूप में जाने। विच इज नॉट द टाइप ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, तो इसमें से कौन सा टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का पार्ट नहीं है? सो टीवी कॉन्फ्रेंसिंग टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान चरणों के सही क्रम की पहचान करिए। ठीक है, तो बेसिकली सबको इसका आंसर पता ही होगा। सो 18 का जो सही आंसर है कि सबसे पहले हम टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं, फिर लिटरेचर रिव्यू करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, देन फाइंडिंग। सो 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आप भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक की कार्यकुशलता की जांच करना चाहते हैं, तो किसका अनुसरण करेंगे? सपोज यू वॉन्ट टू इन्वेस्टिगेट द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इन द इंडिया। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू फॉलो? एरिया सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, सिक्वेंसलिंग सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसके लिए हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग लेंगे, यानी कि बहुचरण नमूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन वॉट डिपेंड द वैल्यू ऑफ एन एजुकेशनल एक्सपीरियंस इन द आईज ऑफ द आइडियलिस्ट। उस आदर्शवादी की दृष्टि में शैक्षिक अनुभव के मूल्य किस पर निर्भर करते हैं? तो बेसिकली मोटिवेशन पार्ट है आपका, साइकोलॉजी का, डिजायर्स भी है, एक्सपीरियंस भी है। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 21, क्या एक किशोर को प्राधिकरण के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित करता है? व्हाट मेक अ एडोलेसेंट टू रिवोल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो इसका जो सही आंसर है, यानी कि हिज वॉन्ट फॉर रिकॉग्निशंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शंस। तो उसमें मान्यता, विचार और क्रिया की स्वतंत्रता के लिए, उसकी जो इच्छा है इसके लिए वो यहाँ पे क्या करता है, विद्रोह कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम मनुष्य के मन बनाम शरीर प्रकृति के द्वैतवादी सिद्धांत में विश्वास करते हैं, तो हम किस परिणाम पे पहुंच सकते हैं? इफ बिलीव इन द डुअलिस्टिक थ्योरी ऑफ माइंड वर्सेस बॉडी, सो नेचर ऑफ मैन बिहेव हैव टू हेराइव द कंसिक्वेंस दैट। 22 का जो सही आंसर होगा थर्ड, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेटिंग कंडीशनिंग के बीच में क्या डिफरेंस है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। सो बेसिकली
यहाँ पर बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें कि ऑपरेटिव कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग, तो क्लासिकल कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन द रिपीटेड पेयरिंग्स ऑफ टू इवेंट्स, व्हाइल ऑपरेंट कंडीशनिंग बेस्ड ऑन द कंसिक्वेंस ऑफ एन इवेंट्स। तो यहाँ पे जो शास्त्रीय अनुबंधन है वहां पे पेयरिंग पे बहुत ध्यान दिया जाता है। घंटी के साथ हमने क्या जोड़ दिया था, घंटी बजाते थे, खाना देते थे, तो पेयरिंग पेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे घटना का परिणाम, यानी कि एक घटना घट रही है, चूहा एक रास्ता तय कर ले रहा है जिस पे उसको खाना मिल रहा है ना, वही बटन बार बार दबाएगा जिस पे उसे भोजन मिलेगा। तो यहाँ पर री इन्फोर्समेंट पे डिपेंड होता है, यानी कि यहाँ पे परिणाम रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करता है। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ ग्रेट डिसएडवांटेज ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड। तो परियोजना पद्धति का सबसे बड़ा दोष कौन सा है, तो परियोजना पद्धति का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो होता है कि यहाँ पर हम गैप आ जाता है ना, कि बच्चे को उसके ऊपर छोड़ देते हैं, तो इस हिसाब से वो अपने हिसाब से काम करता है, तो ये एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का उपयुक्त तरीका क्या है। तो अगर हम किसी को ये बता दें, हमारे यहाँ हमारे देश में सबसे बड़ा इश्यू क्या है कि अवेयरनेस की कमी है ना, तो अगर हम लोगों को इसके लाभ के प्रति बताएं, जागरूक करें और ऐसे कार्यक्रम चलाएं, तो हम एक सही तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वैधानिक निकाय है, स्टेचुरी विच ऑफ द आंसर, यानी कि यूजीसी एंड AICTE जो है वो एक स्टेचुरी बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। सो अभी बेसिकली ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका था कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। सो सक्रियात्मक जो अनुकूलन है यहाँ पे, जिसमें पेयरिंग होती है बेसिकली, सो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा कि यहाँ पर रिप्रेजेंट्स लर्निंग ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर थ्रू रिवॉर्ड एंड री इन्फोर्समेंट। तो यहाँ पे बेसिकली रिवॉर्ड पे बहुत फोकस किया जाता है, जो स्किनर वाला था कि यहाँ पे हम रिवॉर्ड और री इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव का है। तो यहाँ पर हम घंटी बजाते थे जिससे कुत्ते की लार टपकती थी, सो डॉग सलाइवा ऑन हियरिंग द बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप वन एरर कब होती है। तो टाइप वन एरर एक्वायर जब क्या होता है, मैंने इसका आपको फॉर्मूला भी बताया था, सबको याद होगा ये हो। So, 29 का जो सही आंसर होगा कि जब हम राइट को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो टाइप वन होती है, और रॉन्ग को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि WA, तब वहां पे टाइप टू एरर होती है। सो राइट वन आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोमोटर डोमेन डील विद। तो साइकोमोटर डील किसके साथ करता है, तो साइकोमोटर जो डील करता है वो आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ डील करता है। सो राइट आंसर होगा सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। So okay guys, please like and share the video, subscribe our channel for more MCQs for UGC NET 2021। कोई भी suggestion है आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अपना score जरूर बताने, जिन लोगों ने ये test नहीं दिया था वो लोग मुझे अपना score जरूर बता दें कि अगर आपने test नहीं भी दिया था तो भी आपका score कितना हो रहा है। अगर ये जो मैं आपको 150 questions करा रही हूँ, और इन 150 questions में अगर सपोज आपका जो स्कोर है वो 300 समथिंग हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि आपका नेट जरूर क्वालिफाई हो जाएगा। सो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।